नमस्कार दोस्तों, ये हमारे पास है एक किट फैन। देखिए कितनी तेज ये आवाज़ दे रहा है, कट 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 की आवाज़ आ रही है। इसके लग रहा है इसमें कि बेल्ट कटे हुए हैं या इसकी रॉड भी कटी हुई है। तो आइए इसको किट को खोलते हैं और इसमें खोल कर देखते हैं क्या दिक्कत है। हमने इनके दोनों पल्लों को, जो आगे पीछे दो पल्ले हैं, दोनों को अलग कर लिया है। ये किट लगी हुई है पंखे में, किट से द्वारा पंखा बनाया गया है, तो ये किट ही है। तो जो छत पर टिकट टंगी हुई थी वो है। देखिए इसके बुश को देखिए, उसके अंदर हल्की लाने समझ में आ रहे हैं और इस बुश में हल्की सी लाने समझ में आएंगे आपको अगर ध्यान से देखेंगे तो। यानी हमारी ये दोनों बुश ख़राब हैं, इसलिए इनके बुश चेंज करेंगे। ये किट जो होती है ये कूलर में भी लगी होती है और ऊपर पंखा ऊपर लुक टांगने के लिए भी इसका यूज करते हैं, तो छत में टांगने के लिए भी किट का यूज कर लेते हैं। ये वही किट है और वही किट पंखे में लगी थी। कूलर किट, कूलर में भी यही किट लगा दी जाती है। बनटेन किट में भी यही सिस्टम होता है, ऐसे ही बुश होते हैं। तो इन सारे बुशों को निकाल लेंगे। दोनों बुश जो हैं ये हमारे ख़राब लग रहे हैं, इसलिए आवाज़ आ रही थी, इसलिए इनको बुश को निकाल के बाहर कर लेंगे। इस बुश को निकालने के लिए जो इसमें पल्ला लगा होता है, उस पल्ले में जहाँ बुश लगा होता है वहाँ पर रिपीट लगे होते हैं, तो रिपीट को एक पतली सी सुंबी की सहायता से हम बाहर कर देंगे। बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाते हैं। तो हमने एक पल्ले का हमने रिपीट खोल दिया है, दूसरे पल्ले का भी रिपीट खोल देंगे। इसके बाद इसमें हम लगा देंगे। तो देखिए ध्यान से, इसमें अच्छे से हम इसको सिर्फ रिपीट पे मारते हैं तो रिपीट हमारा बाहर निकल जाता है। अगर आप एक बार ट्राई करेंगे तो आपसे होगा निकल जाएगा, रिपीट निकल जाएगा। इसके बाद रिपीट निकल जाएगा तो ये प्याली खुल जाएगी। प्याली खुलते ही अंदर से यहाँ पर बुश बाहर निकल आएगा। उसमें बुश जो होता है बहुत ही चिकना होता है, जिसके अंदर सब मूव करती है, तो सब रोटेट करती रहती है। तो अगर एकदम चिकना इसमें सरफेस बना रहेगा तो वो हीट नहीं करेगी और कोई भी आवाज़ नहीं करेगी। जब ये खुरदरी हो जाती है तब इसमें हीट पैदा होती है और ख़राब हो जाता है, सॉफ्ट को ख़राब कर देती है। देखिए हमने दोनों बुश निकाल के बाहर फेंक दिए हैं, हमने नया बुश निकाल लिया। स्प्रिंग में ये ग्रीस लगी हुई है, पहले से ख़राब ग्रीस है, इसको हटा देंगे। साफ करके हमने उसी बुश पर रख के इसमें लगा देंगे। अभी इसको रख लिया, सेम इसमें भी वही करेंगे। इसके अंदर का निकाल के रख ही दिया था हमने, और इसका हमने ग्रीस निकाल के इसमें से इसके बाद इसमें दूसरा नया बुश लगा के रख देंगे, फिर इसमें रिपीट लगा देंगे। अगर रिपीट नहीं हो तो आपके पास, रिपीट ना हो तो स्क्रू का भी यूज कर सकते हैं, बोल्ट नट बोल्ट का स्क्रू, नटबोर्ड जो स्विच होते हैं, स्विच में निकलते हैं बोल्ट छोटे छोटे, उनका भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास तो शॉप है तो मेरे पास बहुत सारे स्क्रू हैं, तो मैं उनका यूज कर लेंगे। जैसे कि ये स्विच से निकाले हुए नटबोल्ट हैं जो इनको ले आए हम और इसमें कसेंगे। इसमें जो छेद हैं उसी में से हम डाल के इसको कस देंगे, तो जैसे हमारा लगा था वैसे ही लग जाएगा। दोस्तों ये हर प्रकार की किट में, जैसे बनटेन किट, कूलर में बनटेन किट लगी होती है, और छत पे जो किट टंगी होती हैं, और ये पंखे में किट लगी होती है, या जहाँ पे भी बुश का यूज होता है, जिस भी किट में या जिस भी पंखे में बुश का यूज होता है, वहाँ पर ये प्रक्रिया ही यूज़ होगी। इसी तरीके से बुश निकाला जाएगा और इसी तरीके से फिट किया जाएगा। यानी ये जो वीडियो है ये सारे जहाँ पर किट का यूज़ हो रहा है वहाँ सबके लिए ये उपयोगी वीडियो है। अगर आपको बुश निकालना है तो बुश निकालने के लिए यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है, इसलिए ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों हमने सारे नट लगा दिए हैं, नट लगा के इनको अच्छे से टाइट कर देंगे ताकि बुश हमारा बाहर ना निकले। बुश को हम टाइट कर ले रहे हैं। टाइट करने के बाद को हमने टाइट कर लिया है, दोनों पल्लों का वो स्टार्ट कर लेंगे। इसके बाद इसमें फिट करेंगे। तो फिट करने के लिए अब इसमें हम थोड़ा जो मोबाइल है इसमें दोनों बुश जो फिट किए हैं वो मोबाइल डाल देंगे। ये देखिए हमारे पास पंखा है, ये किट फैन है, इसके दोनों पल्लों को निकाल लिया था हमने। अब इसमें हम अंदर के रोटर फांस के और दोनों पल्लों को लगा देंगे। इसके बाद कनेक्शन कर देंगे। कनेक्शन देख लीजिए दोस्तों, दो लाल और दो काले तार थे, तो काला और लाल तार को हमने एक साथ कर दिया, और एक सौ लाल और एक काला तार सिंगल बचा, तो उसमें हमने कंडेंसर का एक एक तार बांध दिया। अब एक तार हमने दोनों दो तार में सीए तो वहाँ बांध देंगे, और एक तार लाल तार भी बांध देंगे।
देखिए दोस्तों, ने फिट कर लिया उसको और ये हमारा चल रहा है। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी भी तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक पड़ी हुई है, वहाँ पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, वहाँ पे आप जाके सारे इलेक्ट्रिक के वीडियो बहुत अच्छे से देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो उसमें पड़े हैं जो आपके लिए उपयोगी हैं। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।